हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोमोक्स बाय द पंडित्स। तो देखो, इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो अपना प्रोमोक्स का पेड मॉक वन था, ये सबके लिए ओपन कर दिया था कल और इसका मैंने लिंक भी डाला था, तो ये लगभग काफी बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया है। तो इसका डिटेल्ड एनालिसिस, कट ऑफ और रिव्यू देखेंगे कि किस तरीके का मॉक बनाया गया था और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें इस मॉक से सीखने को मिलेंगी। ठीक है, क्या स्किप करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, तो डिटेल में बात करेंगे। एक बार स्टार्ट करते हैं, तो एक बार मैं छोटा सा ओवरऑल एनालिसिस दिखा देता हूँ कि स्टूडेंट्स का डाटा ये तो कि 100 प्लस वाले कितने लोग हैं, 1750 लोग हैं। ठीक है, और 150 प्लस वाले अपने 390 लोग हैं और 160 प्लस वाले अपने 130 लोग हैं। इससे थोड़ा सा आपको रैंक का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मेन चीज है अपनी कि ओवरऑल अपना सब्जेक्ट का क्या लेवल रहा। ठीक है, जो हमारा मैथ्स था इस वाले सेट का, वो मैथ्स मॉडरेट लेवल का था। इसमें अगर आपका 35 स्कोर है तो ठीक है, वो अच्छा स्कोर है। अच्छा मतलब कि एक एवरेज बच्चा जो है जिसने सिलेबस किया हुआ है अपना और पीवाई को किया हुआ है, तो वो 35 ला सकता है। उसके बाद रीजनिंग देखोगे तो इजी टू मॉडरेट है। अब इसमें 35 से 40 लिखा हुआ है, ये स्कोर वेरी करेगा काफी बच्चों का, वो मैं रीजन बता दूंगा कि किसी को ये इजी टू मॉडरेट लगेगी, किसी को मॉडरेट से हार्ड भी लग सकती है रीजनिंग। ठीक है, रीजन आगे भी देखना आप। और इंग्लिश जो है वो अपनी इजी से मॉडरेट थी जिसमें 40 मार्क्स लाए जा सकते हैं, और जीएस भी अपनी मॉडरेट लेवल की थी जिसमें 14-15 क्वेश्चन डुएबल थे, तो मिनिमम आपके 25 नंबर तो आ जाने चाहिए थे अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यूज करंट अफेयर्स वगैरह कर रहे हो आप। ठीक है, ओवरऑल जो देखेंगे अपना जो मॉडरेट लेवल का मॉक था, और कट ऑफ अपनी आप इनको ऐड कर लो 35 35 70, और ये आप ऐड करोगे तो लगभग लगभग 140 की कट ऑफ आपकी बैठेगी। अगर आपका 140 स्कोर है इसमें, तो मान के चलो कि आपका ये पेपर जो है ये वाला कट ऑफ क्लियर हो गया है, आप लोग मिठाई खा सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन वाइज क्या डाटा रहा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा, कि ये जो स्लाइड है ये दिखाती है कि क्वेश्चन नंबर वाइज कि 1 से लेकर 25 तक के जो क्वेश्चन हैं वो कितने परसेंट लोगों ने सही किए। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन इजी लेवल के थे और कौन से मॉडरेट थे और कौन से ऐसे थे जिनमें काफी ज्यादा लोगों को दिक्कत आई। ठीक है, तो ये आप देखोगे कि ये स्टार्टिंग जो पांच ये चार क्वेश्चन है ये लगभग सबने कर लिए, ये इजी लेवल के थे। जो पांचवा क्वेश्चन है 13% लोगों का ठीक हुआ है, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन था ट्रेंगल का। ठीक है, और फिर उसके बाद 7th क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट में मानोगे आपके 56% लोगों का हुआ है। बाकी यहाँ पर एक कलर कोडिंग बता देता हूँ, जो ग्रीन है वो मतलब इजिली डुएबल थे, मोस्टली सब लोग इसको करके आ गए। ठीक है, जो ब्लू वाले हैं ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो ग्रीन में होने चाहिए थे आपके, मतलब ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे बट नहीं हुए हैं, या तो वो आपको टाइम कम पड़ गया वहां पे, या मतलब कैलकुलेशन में इशू हुआ है कुछ भी, इसलिए मिस्टेक्स हुई हैं। ठीक है, ये जो ब्लू वाले क्वेश्चन है हो जाने चाहिए थे बट हुए नहीं है, काफी कम लोगों के ठीक हुए, 50% 45% ना। और जो रेड वाले क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो काफी कम लोगों के हुए हैं। तो ये कलर कोडिंग है अपनी, तो इसमें देखोगे आप कि ये फिर से 3 इजी क्वेश्चन है, ये इजी है, ये फिर 14। अब मैंने एक एक करके सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। ठीक है, कि क्या चीजें इनमें हुई है और क्या करनी थी। अगर आप ओवरऑल काउंट करोगे तो इसमें 1 2 और 3 क्वेश्चन ये मतलब हार्ड लेवल के दिख रहे हैं, जिसमें कि ये वाला क्वेश्चन हार्ड नहीं है एक्चुअल में, दिखाऊंगा मैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, ये हमने थोड़ा सा पीवाईक्यू बेस्ड है, सीजन 19 का क्वेश्चन है, बट उसमें हमने डाटा चेंज किया है और उसकी जो लैंग्वेज है वो मॉडिफाई करी है थोड़ी सी, ताकि एग्जैक्ट पीवाईक्यू ना रहे, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, और ये 13th वाला भी बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये भी पीवाईक्यू का है। ठीक है, 13th वाला जो सर्किल का क्वेश्चन है, ये अगर आप देखोगे तो 23rd जो क्वेश्चन है वो 18 अप्रैल 2022 की इवनिंग शिफ्ट का है। ठीक है, तो ना तो ये 5th क्वेश्चन जो है और ना ही 23rd क्वेश्चन जो है, ये दोनों ही हार्ड नहीं है। और ये 6th वाला मैं मानता हूँ, ये वाला कि ये जो 6% किया है टाइम एंड वर्क वालों ने, ये बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, और ये जो 45 है या परसेंट या 55% है प्रॉफिट लॉस का, एलसीएम एचसीएफ का, ये सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए वो पता नहीं। अब देखते हैं इन क्वेश्चंस को खोल कि इनमें क्या तुमने गलतियां की हैं। ठीक है, ये रहा अपना, तो ये वाला 5th क्वेश्चन है। ठीक है, ज्योमेट्री का, इसमें ट्रायंगल का क्वेश्चन है, आप देखोगे डायग्राम एक बार तो मैं बताऊंगा कि ये प्योर ज्योमेट्री जो होती है ना, प्योर ज्योमेट्री तो इसमें सबको आती है जितनी इसमें लगी है, कि भाई ठीक है साइन 60 हमने लगाया। ठीक है, यहां से हमने निकाल दिया अपना एबी की वैल्यू, मतलब प्योर पाइथागोरस यूज करिए और एंगल्स यूज किए, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक जो आइडेंटिटी होती है। तो यहां तक जब आओगे ना, बस में जो भी बच्चों ने किया है, जिन्होंने सोल्यूशन देखा है, सर ने भी कराया है क्वेश्चन एक बार, अगर डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो जो भूते सर की मैथ की वीडियो है जो हमने डाली हुई है अभी ऐप पे, इस पे वेबसाइट पे, इसके सोल्यूशन की वो देख लेना। बाकी यहां तक आओगे ना, बीसी निकालने तक, बीसी निकालने तक इसमें मोस्टली बच्चे कर लेंगे, क्योंकि बेसिक ट्रायंगल की आइडेंटिटीज और पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज हुआ है। बट दिक्कत कहां पे आई, जब हमने लेंथ पूछी सीडी की, अगर हम सीडी की लेंथ पूछेंगे तो हमको बीडी और बीसी दोनों जोड़ना पड़ेगा, जिसमें कि हमारा रूट आ रहा है। ठीक है, 6√3 + 9√5। अब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये 12% लोगों ने सही किया है, तो अगर हम यहीं तक क्वेश्चन छोड़ देते इस वाले को कि सिर्फ सीडी को बता दो और ऑप्शंस उसके रूट में होते, कि 6√3 + 9√5, 5√3 + 6√3, अगर इस तरह के क्वेश्चन होते
ये ऑप्शन होते तो आप इसको मोस्टली 50% लोग बहुत आसानी से कर लेते क्योंकि बेसिक आइडेंटिटीज है। बट दिक्कत कहाँ हुई है, दिक्कत हुई है रूट थ्री की मल्टीप्लाई करने में, इसमें रूट फाइव की मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। मोस्टली बच्चे ये नहीं कर पाए हैं कि रूट थ्री की वैल्यू उनको पता नहीं है, या फिर पता है तो वो मल्टीप्लाई करके जोड़ नहीं पाए, या फिर रूट फाइव की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। अगर आपको देखो सिर्फ ज्योमेट्री की बात करोगे तो यहीं तक था, बट आपका जो रेशियो वाला पार्ट है, आपका जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला पार्ट है, या स्क्वायर रूट्स हैं ये, ठीक है, या फिर स्क्वायर और क्यूब्स हैं, ये इतने अच्छे होने चाहिए कि रूट दस तक की वैल्यू आपको मतलब अच्छे से याद होनी चाहिए। रूट दस तो मिनिमम, मतलब रूट वन से लेकर वन तो खैर वन ही होता है, बाकी रूट वन से लेकर और रूट टेन तक की वैल्यू एकदम टिप्स पर होनी चाहिए और आपको मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए फटाफट। तो आप इसका सोल्यूशन जो है वो पॉइंट टू में आ रहा है, इसलिए तो अच्छा क्वेश्चन बन गया। मतलब समझ रहे हो ना कि अच्छा क्वेश्चन कैसा होता है, कि अगर यहां तक छोड़ देते इसको रूट तक तो ये हो जाता है भाई तुम्हारा रिमोडेट क्वेश्चन है, 50% लोग कर जाते हैं आराम से। बट जैसे ही इसमें रूट की वैल्यूज डाल के वो सम पूछा गया तो लोग जगह गड़बड़ा गए इसमें, ठीक है। एक चीज और है कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन को करने का ना, जैसे ये फिफ्थ नंबर पे ही आ गया अपना क्वेश्चन, तो काफी बच्चों को ना जो फ्रेशर्स हैं उनको ये पता नहीं होता कि अब इसको हम स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करें या छोड़ दें, या मतलब मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ें या फिर स्किप भी कर दें रेड करके। तो ये एक बहुत समझने वाली चीज है, ठीक है। मैं डिटेल में बताता हूँ कि कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं ज्योमेट्री में, कैसे कैसे, और उनमें करना क्या है, ठीक है। दो तरह के क्वेश्चन ज्योमेट्री में आपको दिखेंगे, एक तो दिखेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जिनमें आपको डायग्राम नहीं देगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक दिखेगा आपको डायग्राम वाला क्वेश्चन। एसएससी का जो टीसीएस का पैटर्न है वो थोड़ा थोड़ा इस तरफ उसका झुकाव बहुत ज्यादा हो रखा है बायसनेस की, वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछ रही है जिनमें आपको फिगर खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो फिगर वाले एग्जैक्ट क्वेश्चन हैं, जो फिगर दे रखा है, वो थोड़े क्वेश्चन अब कम हो जा रहे हैं। मतलब एसएससी का पता नहीं मन है शायद इस चीज को टेस्ट करने का कि आप सही फिगर बनाओ, या फिर आपके 10-15 सेकंड और लगे फिगर बनाने में। तो अब ये पैटर्न है उनका, ठीक है, वो चल रहा है, तो हम भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। आप मॉक्स में देखोगे, लाइव मॉक्स में भी या अब आगे पेड मॉक्स में भी, कि जो क्वेश्चन है मोस्टली ज्योमेट्री के वो लैंग्वेज बेस्ड ही रहेंगे, बीच बीच में एक दो क्वेश्चन फिगर बेस्ड आएंगे, ठीक है, जिसमें आपको फिगर बना हुआ मिलेगा। दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब इनमें करना क्या है कि आप, मैं पहले बात करता हूँ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन की। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग के 10-20 सेकंड देने ही पड़ेंगे उसकी लैंग्वेज को पढ़कर फिगर बनाने के लिए, ठीक है। आप लोगों ने लैंग्वेज पढ़ी, आप लोगों ने उसका फिगर बनाया, अब फिगर बनाने के बाद में आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या ये कोई थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, कि डायरेक्ट मैं मान के चलो ये ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसी में हम लोग कुछ एंगल वगैरह देके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पूछ लेते, ठीक है, जो या एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर पूछ लेते, डायरेक्ट फॉर्मले होते हैं ना, 90-a/2, 90+a/2, इस तरह के फॉर्मले होते हैं, ठीक है, या कोई सीधा सा सिमिलरिटी का क्वेश्चन होता। अगर आपको ये दिख रहा है कि क्वेश्चन जो है वो एक बेसिक थ्योरम पे बेस्ड है, जो कि बहुत ज्यादा यूज होती हैं थ्योरम्स, पीवाईक्यू में बार बार पूछी गई हैं और वो आपका आता है वो, ठीक है, तो आप तुरंत उसको कर लो, फिर उसको स्किप मत करो, ठीक है। आपने डायग्राम बनाया, आपको पता है कि ट्रायंगल का क्वेश्चन है, बेसिक थ्योरम पे बेस्ड है, मेरे को आता है, तो उसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर सर्किल का क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि सर्किल का क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पूछी हुई है, सेकंड की पूछी हुई है, या फिर कोर्ड और जो तुम्हारा रेडियस होता है उसके बीच के एंगल का कुछ भी यूज हो रहा है, मतलब कुछ भी बेसिक यूज हो रहा है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर उसमें भी, तो अगर बेसिक कुछ भी फॉर्मुलाज या थ्योरम्स यूज हो रही है इन डायग्राम वाले क्वेश्चन में, तो उनको तुरंत करके और आगे चलो, ठीक है, वहां पे फिर छोड़ना नहीं है। बट अगर ऐसा होता है कि आपने डायग्राम बना लिया और आपको पता ही नहीं चल रहा कि यार इसमें क्या मेरे को स्टेप लेने हैं, आपने सोचा थोड़ी देर, मान के चलो 15-20 सेकंड में आपका डायग्राम बना और अगले 15-20 सेकंड आपने इसमें लगा दिया कि यार मेरे को थ्योरम का आइडिया नहीं लग रहा, या आपने एंगल जो सर्किल वाला क्वेश्चन है उसमें एंगल्स कैलकुलेट करके ट्राई किया बट नहीं हो रहा है, तो भाई फिर एक मिनट से ज्यादा, टोटल एक मिनट से ज्यादा यहाँ पे नहीं खर्च करना है। ये मत करना कि ये फिफ्थ क्वेश्चन है और आपने इसमें 2-3 मिनट लगा दिए, ठीक है। ये जो आईडी खुली हुई है ना, जिस आईडी को मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये 12% मतलब ये बंदा दिख रहा होगा, अभिनव यादव, ठीक है। तो इस मॉक के जो टॉपर्स हैं, इनमें इसका 2-3 नंबर है और कुछ ऊपर के तो फेक है, मतलब फर्स्ट रैंक वाला तो फेक ही लग रहा है अपने को। इसको मेरे को आईडी मैंने देखा, इसका चेक किया, अपने पास ऑप्शन होता है कि पेड मॉक में हर बच्चे का हम खोल कर देख सकते हैं उसने कितने टाइम में क्या चीजें सही की हैं, गलत की हैं, तो पता चल जाता है कौन फेक है कौन रियल है, ठीक है। तो ये अभिनव यादव बंदा है। अब इस बंदे ने यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 मिनट लगाया है, ठीक है, और फिर भी इसका क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो जो बंदे, हालांकि ये क्वेश्चन तो ये वाला तो ईजी था, बट अगर ऐसा होता कि ये बहुत कोई हार्ड थ्योरम पूछी हुई होती इसमें, तो बिल्कुल भी सजेस्टेबल नहीं है कि आप उस वाले क्वेश्चन में 2-3 मिनट वहां पे वेस्ट करो या ट्राई करते रहो थ्योरम से लगा लगा के, समझ रहे हो ना। तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन या फिर कोई भी ऐसा मेंसुरेशन का क्वेश्चन या कोई भी ऐसा सीआई का क्वेश्चन जिसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी है, अगर आपको स्टार्टिंग में ही मैथ्स के सेक्शन में दिखता है, तो भाई सिर्फ अगर डायग्राम है तो तुम्हारे 10 सेकंड बच जाएंगे, डायग्राम है तो 10-15 सेकंड बचेंगे डायग्राम बनाने वाले, तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा होगा कि यार क्या कोई थ्योरम लग रही है या नहीं लग रही,
ठीक है, डिटेल में समझ लेना। अगर लग रही है तो लगा के उसको चेक कर लो कि आंसर आ गया, आ गया तो ठीक है, विद इन 1 मिनट आपका हो जाएगा वो, अगर इजीली हो थ्योरम में पीवाईक्यू की बेस्ड तो। बट अगर आपने डायग्राम बनाया है और डायग्राम बनाने के 30 सेकंड बाद तक भी आपको आइडिया नहीं लग रहा कि 30 सेकंड में डायग्राम बना, अगले 30 सेकंड तक पता ही नहीं चल रहा, तो भाई 1 मिनट से ज्यादा मत लो, फिर उसको आगे जाके स्किप कर दो या छोड़ दो, बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेशर्स को नहीं पता कि भाई स्टार्टिंग में अगर हार्ड क्वेश्चन मिल जाए तो उसको क्या करना है, 1 मिनट से ज्यादा मत देना, ठीक है। चारों मैंने टाइप बता दिए जो है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है क्योंकि दिक्कत आती है यार बार बार, बाकी चीजें तो सब बच्चा सीख ही जाता है अपने आप, बट ये चीजें थोड़ा सा ऐसा है कि अभी से अगर हम ध्यान रखेंगे तो आपका जो इंप्रूवमेंट है वो ज्यादा बेहतर हो पाएगा आने आने वाले अपने मॉक्स में, ठीक है। आई होप कि ये वाली जो चीज है कि ज्योमेट्री का कौन सा क्वेश्चन या फिर स्टार्टिंग के क्वेश्चन में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अटेम्प्ट करना है या छोड़ना है, अगर इजी लग रहा है तो अटेम्प्ट करना है डायग्राम बना के, और अगर लग रहा है कि नहीं पता चलना है तो बेसिकली अपने को वो स्किप करना है, वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारे को ऐसा हो सकता है कि लास्ट के जो 21 से 25 के क्वेश्चन है वो इजी रहे और आप स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट कर दो, वहां तक पहुंच ही ना पाओ और वो आपके जो क्वेश्चन है छूट जाए, तो इस 2 नंबर के चक्कर में आपके 10 नंबर चले जाएंगे, ठीक है। तो स्मार्ट बनो, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये जो 6th क्वेश्चन है ये इजी है, फिर अब ये हाइट एंड डिस्टेंस का 7th वाला दिखा देता हूं मैं आपको कि बेसिक क्वेश्चन ये देखो, मतलब मुझे लग रहा है शायद 10th का बच्चा भी इसको पढ़ता होगा कि इस तरीके से अगर डायग्राम दिया हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस का, सबने पढ़ाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी है कि क्या साइन कोस वगैरह होता है इसमें, ठीक है। बट फिर भी यार पता नहीं क्यों 50% मतलब 55 लोगों का ही ये ठीक हुआ है, 55% का ही, अब मेरे को नहीं पता, होना नहीं चाहिए था ये, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है ब्लू में डाला है, ये क्वेश्चन ब्लू में डाला है कि भाई इसको कर लेना चाहिए था बट नहीं हुआ है, ऐसी ट्रेंस वाला भी क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए था, जिसने पेपर दिया है कौन पेंटिंग का, देखो मेंसुरेशन का फेवरेट टॉपिक उसका कि भाई मेंसुरेशन में क्या करेगा, सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन में बहुत ज्यादा, मतलब 3D में वो थोड़ा सा अगर मान के चलो कौन कटिंग वगैरह दे देगा तो वो अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, कौन कटिंग का या फिर क्यूब कटिंग का दे देगा तो ठीक है मान लिया चलो, बट ज्यादातर मेंसुरेशन का टीसीएस का ट्रेंड ये रहा है कि एग्जैक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि इसको इसमें मेल्ट कर दिया, इसको पेंट कर दिया, तो कर्व सरफेस एरिया निकालो वगैरह वगैरह कुछ भी, या कोस्ट पेंटिंग निकालो कोस्ट की, ठीक है। तो ये चीजें हो जानी चाहिए थी बट नहीं हुई है, इसलिए ब्लू में रखी हुई है, ठीक है। ये 6th क्वेश्चन अच्छा था, ये वाला 21 ये मैं मान रहा हूँ कि वाला बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार ये और देखो 23rd क्वेश्चन जो है अपना, ये और देखना, रुको 23rd पाते हैं ये रहा। अब ये वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया कि सीधा पीवाईक्यू की शिफ्ट का क्वेश्चन है, सीजीएल का ही, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड है। अब ये इसका डायग्राम है, ठीक है, आप लोगों ने डायग्राम बना लिया। अब इसकी परसेंटेज देखो 13% लोगों का सही हुआ है, और अब इसका सॉल्यूशन देखो कि इसकी प्रॉपर्टीज इसमें क्या यूज हुई है, कि भाई ये 130 दे रखा है और ये 170, ये तुम्हारा 75 दे रखा है। अपने को क्या करना है कि OA और OC बराबर है, रेडियस है, ठीक है, तो बराबर बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे, तो 130 में से 50 बचा, 50 में से 25 ही हो गया, 25 ही हो गया, पहली प्रॉपर्टीज में ये यूज हुई है। सेकंड प्रॉपर्टीज में क्या यूज हुई है कि ये वाला अपना क्या है, ये अपना रेडियस है, ठीक है, और ये क्या है अपना, इसका टेंजेंट है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है, बस ये वाली सेकंड प्रॉपर्टी जो इसमें यूज करी है हमने, ठीक है। अब 25 ये है तो ये हो गया 65, हमको पूछा क्या है, ये इसने पूछा है हमको ये 40 वाला जो एंगल है ये वाला, अब 65 ये आ गया हमारा, 75 हमको दिया हुआ है, तो फिर से हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे 180 वाली, तो हो गया 40% आंसर। अब ये मेरे को नहीं पता चल रहा कि भाई क्यों, मतलब ये 30% लोग इसको कर पाए, या तो उनसे डायग्राम नहीं बना ठीक, या फिर उनको एग्जैक्टली ये प्रॉपर्टीज नहीं दिखी क्या चीजें हैं, क्योंकि बेसिक ही है ये तो तीनों, है ना, कि टेंजेंट और सेंटर के बीच, मतलब या जो रेडियस जो डालते हैं हम, ये जो टेंजेंट होती है इनके बीच का डिग्री जो बनती है 90 डिग्री बनती है, बेसिक चीज है, ठीक है, और पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ अभी यहाँ पे कि जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, एक मिनट, उनमें भी इतनी दिक्कत आ रही है कि 13% लोग ही ठीक कर पा रहे हैं, इससे आगे भी यार प्रॉफिट लॉस का देखो, मतलब क्वेश्चन दिखाने वाले हैं सारे, मैं देख रहा था खुद भी कि क्यों इतनी गड़बड़ हो रही है। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन देखोगे तो देखो इसको दो तरीके से पूछता है क्वेश्चन को, पहला टाइप तो यही हो गया कि 30 आर्टिकल है उसने खरीदे हैं 450 रुपए के, ठीक है, और 1/3 ऑफ दीज आर्टिकल्स की 1/3 उसने 6% लॉस पे बेच दिए, तो बाकी के जो बचे उसको तो भाई प्रॉफिट कमाना है, अगर कोई भी वेंडर है तो प्रॉफिट कमाना है, तो 10% प्रॉफिट कमाना है, तो वो बाकी के बच्चों को कितने रुपए में बेचे कि प्रॉफिट हो जाए। अब एक तो ये वाली इसकी डेफिनेशन होगी, रिपीटेड टाइप है, ठीक है, लैंग्वेज सेम क्वेश्चन को अगर और इजी लैंग्वेज में करते हैं तो आप शायद उसको कर लेते। अगर मैं इसको ये लिखता ना अभी कि एक वेंडर ने 30 सेब खरीदे, सेब मान के चलो 50 रुपए ईच के या फिर कैसे भी करके, लैंग्वेज देखना बस, कि एक वेंडर ने 30 सेब खरीदे, 1/3 जो सेब थे वो उसके खराब हो गए, ठीक है, तो बाकी के जो बचे सेब हैं उनको वो किस प्राइस पे बेचे ताकि उसको ओवरऑल में 10% का प्रॉफिट हो।
अगर ये वाले लैंग्वेज में क्वेश्चन आता तो काफी बच्चे इसको कर जाते हैं, और 40% से भी ज्यादा, मतलब 45 से ज्यादा या 60% शायद, क्योंकि वो लैंग्वेज देखी देखी है। फ्रेशर्स भी सोचते हैं यार ये तो बहुत ईजी है, जो सेब खराब हुए हैं उसमें लॉस हो जाएगा जीरो पे। अब अगर सेब बिल्कुल ही खराब हो गए, सड़ गए, फेंक दिए उसने, तो उसको 0% प्रॉफिट होगा यहाँ पे, मतलब लॉस ही लॉस है, 100% का लॉस हो जाएगा उन वाले सेबों पर। बट 6% लॉस पे बेचा है तो शायद थोड़ा सा सेबों में दाग होगा, समझ रहे हो ना, ऐसा करता है ना वेंडर अपना, कि भाई जो बिल्कुल एकदम चमकीले सेब है वो ऊपर लगा के रखेगा कि ये तो जिस वाले प्राइस पे है, और जिनमें थोड़ा भी दाग होगा उनको थोड़ा सा साइड में रख के थैली पे, और बोलेगा कि यार ये वाले तो जो है 200 रुपए किलो है और ये अपने 160 रुपए किलो है, ठीक है, तो वो ओवरऑल बैलेंस कर रहा होता है अपना प्रॉफिट, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट फिर भी सिर्फ 44% लोग इसको कर पाए, है ना। कहीं ना कहीं जो PYQs के जो क्वेश्चन है उनकी थोड़ी सी भी लैंग्वेज चेंज होती है, हालांकि ये लैंग्वेज भी आई हुई है ना, ये लैंग्वेज कोई नई नहीं है, बट फिर भी लोगों ने इसमें मतलब गड़बड़ करी है कुछ ना कुछ, तो ये नहीं करनी है, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन, ये भी यार बेसिक LCM का क्वेश्चन है, इसमें 54% नहीं किया है, पता नहीं, मतलब मेहनत करो भाई। देखो PYQs, अगर PYQs पे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है इसमें, सिर्फ इस टाइम एंड वर्क वाले को छोड़ के, जो PYQ में ना आया हो और जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 35 तो स्कोर चलो अच्छा है, बट जिन्होंने 40+ लाया है यार बहुत अच्छा स्कोर उनका, ठीक है, उन्होंने ये चीजें सही से करी हुई है पहले। अब आते हैं अपने रीजनिंग वाले सेक्शन पे। रीजनिंग वाले सेक्शन में हमारे 3 क्वेश्चंस तो अच्छे लेवल के हैं, ठीक है, मतलब अटेम्प्ट के हिसाब से, आपके अटेम्प्ट के डाटा के हिसाब से। अब इसमें क्या अच्छा लेवल है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, चलो क्वेश्चन ध्यान से देखना कि हम रीजनिंग के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें जो ये दिखा हुआ है क्वेश्चन, इसका जो कोड है कि लॉजिक है, मैंने पिछले वाले लाइव मॉक में भी ये चीज डाली थी, बताई थी कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें कॉन्सोनेंट्स पे अपना अलग कोड अप्लाई हो रहा होगा और वोवल्स पे अपना अलग कोड अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज को चेक करने का ध्यान रखा करो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पे है, और जो अपना 25 क्वेश्चन है या 24 है शायद, हाँ 23, कि ये देखो स्टॉपर बंदे का भी गलत हो गया, ठीक है। इसमें भी यही है कि जो कॉन्सोनेंट की जो पोजिशनल वैल्यू है और जो वोवल्स की जो पोजिशनल वैल्यू है उसका बस डिफरेंस लिया है सम करके, ठीक है। तो ये जो लॉजिक है, देखो जब तुम एनालिसिस की वीडियो देख रहे हो ना, ये वाली डिटेल एनालिसिस की, तो एक ना कॉपी लेके बैठ सकते हो या कुछ भी ऐसी चीज जहां पे आप चीजों को नोट कर सको इनको, जैसे वो ज्योमेट्री वाली बात बताई है, अगर किसी वैसे को नहीं पता था कि ये चीजें यार इस तरीके से अटेम्प्ट करनी होती है, लिख लिया करो, ठीक है। या अगर रीजनिंग हम कोई कोड, मतलब मैं बता रहा हूँ इस तरीके से कि यार ये आता है बार 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 PYQ में ऐसे पूछता है इसको, वो वाला कॉन्सोनेंट पे खेलता है वो, तो तुम अगर तुम्हारे पास ऐसे कोई नोट्स नहीं है ना कि क्या रिपीटेडली पूछता है, तो यहीं से लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी प्रॉपर 30 मॉक दोगे ये वाले और 20 दोगे लाइव वाले, 50 मॉक में अच्छा खासा तुम्हारा अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक डिजिटल कॉपी वाला मेथड बताया था कि अपना ग्रुप बना के भी सेव कर सकते हो, एनालिसिस वाली वीडियो में बोला था मैंने, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस इसी पे हैं कि कॉन्सोनेंट और वोवल में अलग अलग चीजें अपन कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये इजी क्वेश्चन है ये वाला, ये भी इजी है, ये भी इजी है। ये देखो 16% लोगों का ये वाला क्वेश्चन ठीक हुआ है, और इसमें मोस्टली हमको क्या करना है कि इन दोनों की गुणा करनी है 18 और 32 की, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब ये मतलब बहुत ज्यादा हार्ड लॉजिक भी नहीं है, बट बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है। अगर यही क्वेश्चन को हम छोटे वैल्यूज पर पूछते, छोटे वैल्यूज मतलब 24 की जगह हम 6 लिख देते, 18 की जगह हम 4 लिख देते और 32 की जगह हम कुछ और उस तरह सेट करते तो दिख जाता, बट थोड़ी सी वैल्यूज बढ़ाई तो आपको स्क्वायर वो पढ़ने में गलती हो गई। फिर भी यहाँ पे जो पढ़ेगा वो समझ लेगा कि 32×160 तो 1600 हो रहा है, तो इसका स्क्वायर है, ठीक है। ये एक ट्रिक है कि जब हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं ना कि कुछ परफॉर्मेंस हो रही है, तो अगर मोस्टली एग्जामिनर का तो दो तरीके का पूछेगा, ठीक है, ये वाला भी एक बॉक्स है और ये वाला भी एक बॉक्स है, ध्यान से समझना। अगर एग्जामिनर को इजी क्वेश्चन बनाना है तो वो ये वाला जो बॉक्स है ये ऊपर रखेगा, ये जो 40, 3250 वाला है ना, क्योंकि 3250 की गुणा करते 1600 बनेगा और बच्चा पकड़ लेगा कि 40 का स्क्वायर हो रहा है। तो अगर मैं ये चाहता कि ये क्वेश्चन ज्यादा बच्चे कर पाए, 16% की जगह 40% कर पाए, तो मैं ये वाला बॉक्स तो ऊपर रख देता, और ये जो दूसरा वाला बॉक्स है जिसमें इजीली नहीं दिखेगा उसको मैं रखता नीचे, ठीक है। बट अगर एग्जामिनर को ये लग रहा है कि नहीं मेरे को अच्छा क्वेश्चन करना है इसको, तो वो जो हार्ड वाले नंबर्स हैं उनको पहले नंबर पर रखेगा और जो इजी वाले नंबर्स हैं उनको दूसरे नंबर पर रखेगा, क्योंकि 99% बच्चों की जो मेंटेलिटी है वो ये है कि वो जो लॉजिक परफॉर्म करके देखते हैं ना वो फर्स्ट बॉक्स पे ही करके देखते हैं, ज्यादा सेकंड बॉक्स पर मुश्किल ही जाते हैं। जो रिपीटर्स होंगे उनको ये बात पता होगा कि यार पहले हम कितनी गलतियां करते थे इसमें, या फिर हमको कितनी गलतियों के बाद आदत हुई है कि यार सेकंड बॉक्स भी चेक करो उसमें शायद कुछ निकल जाए। ऐसी वो गोले गोले वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि यहाँ गोला यहाँ गोला यहाँ गोला और वो ऐसे जोड़ दिया और गोलों में संख्या लिखी हुई है, तो पहले वाला नहीं बन रहा है बट दूसरे वाले में इजीली बन जा रहा है, वहां पे इजी वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज अपने को ऐसे सारे क्वेश्चंस में ध्यान रखनी है कि इसमें तुम ये देखोगे जो एनालॉजी वाले क्वेश्चंस वैसे देते हैं ना रेशियो लगा के और फिर 4 डॉट्स लगा के, वो कि इसका जो इससे संबंध है वही इसका इससे है, मतलब फर्स्ट और सेकंड का जो है वही
थर्ड और फोर्थ का है तो फिफ्थ और सिक्स दे देगा कि बताओ क्या आएगा। ठीक है, मैं एग्जैक्टली चलो बता ही देता हूँ ऊपर ऊपर से, तो क्या ही करना, देखो लिखने का ऑप्शन है ना अपने पास। वो बोलेगा कि जो ए और बी का अपना है रिलेशन, वो ही सी और डी का अपना रिलेशन है, और वो ही ई और एफ का अपना रिलेशन है। अब वो एफ को गायब कर देगा यहाँ से। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे होगे, तुम ए और बी में फंसे हुए होगे कि क्या इनका कोड बन रहा है, क्या इनका लॉजिक बन रहा है, जबकि ऐसा हो सकता है कि सी और डी में आप इजीली उसको पकड़ पाओ और फिर आप उसको ए बी में चेक करो वो आपका बन जाए, फिर आप उसको ई एफ में चेक करो तो बन जाए। तो ये आदत डालो कि भाई क्वेश्चन में अगर ये चीज दी हुई है तो ये भी किसी काम की है, ऐसा नहीं है कि तुम पूरा इसको इसी से सोल्व करने की कोशिश कर रहे हो, 30 सेकंड निकाल दिए, 1 मिनट निकाल दिया, नहीं हो रहा फिर छोड़ दिया, वो नहीं करना। ठीक है, अब ये देखते हैं बॉक्स पजल वाला क्वेश्चन जो है अपना 15th क्वेश्चन रीजनिंग का। अब यहाँ पे रीजनिंग में जो तुम देखोगे ना ऐसे नंबर वाले क्वेश्चन में, भाई जो तुम्हारे स्क्वायर्स हैं, जो तुम्हारे क्यूब्स हैं, उनकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन क्वेश्चंस में कि देखो मोस्टली बच्चे क्या करेंगे कि कुछ भी करके, ये चीज थोड़ा सा फ्रेशर्स के हिसाब से और बता दे रहा हूं मैं कि अगर इस वाले कॉलम में छोटी वैल्यू लिखी हुई है और इस वाले कॉलम में भी छोटी वैल्यू लिखी हुई है और बीच वाले कॉलम में बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ऑपरेशन मतलब लगा हुआ है जिसमें फर्स्ट और थर्ड कॉलम का यूज करके हम दूसरे कॉलम वाली वैल्यू बनाएंगे। अगर यहीं पे ऐसा होता कि ये कॉलम इधर होता 35 वाला, तो हम 8 और 14 वाला कॉलम यूज करके इसमें बनाते हैं, मतलब छोटी वैल्यूज का यूज करके हम बड़ी वैल्यू लाने की कोशिश करते हैं। ये एक अपना बेसिक अपना तरीका है क्वेश्चन बनने का। तो हमको यहाँ देख के ये पता चल रहा है, पहला जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वो ये चीज दिमाग में तुम्हारा आनी चाहिए कि यार फर्स्ट और थर्ड कॉलम को मेरे को कोई परफॉर्म करना है कुछ भी कोड, और उससे मेरे को सेकंड कॉलम बनाना है। फर्स्ट चीज तो ये हो गई एनालिसिस में। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर मेरे को सेकंड कॉलम बनाना है जिसमें बड़ा संख्या मेरे को दिख रहा है, तो मेरे को बड़ी तीनों संख्या एक बार देखनी पड़ेंगी, और जैसे ही देखोगे जिसको स्क्वायर्स का पता है उसको तुरंत दिखेगा कि यार ये 35, 80 और 120, अच्छा 35 मतलब 36 से एक कम कर दिया, ये 81 से एक कम कर दिया, ये 121 से एक कम कर दिया, तो उसको स्ट्राइक होगा ये तो यार ये तो स्क्वायर बन रहे हैं। 36 जो है 6 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, यहाँ 11 का स्क्वायर है। अब उसका 90% क्वेश्चन सोल्व हो गया, बस उसको यहाँ पर 6 लाना है, फिर वो देखेगा 14 में से 8 घटाया 6 बन गया, 16 में 7 घटाया 9 बन गया, उसी बेस पे फिर यहाँ पे निकाल के आंसर कर दोगे तुम। तो ये क्वेश्चन 24% बच्चों का हुआ, क्यों? या तो वो ये नहीं समझ पाए कि पहला और तीसरा कॉलम यूज करके हमको सेकंड पे जाना है, या फिर वो स्क्वायर नहीं पहचान पाए कि अरे स्क्वायर में एक कम कर रखा है। ठीक है, यही क्वेश्चन मे भी मैं अगली शिफ्ट में दे दूं, तो मैं अगले किसी मॉक में या 4 मॉक बाद यहाँ पर मैं 37 लिख दूंगा, यहाँ पर मैं 42 लिख दूंगा, 82 और यहाँ पर मैं 122 लिख दूंगा, उसमें क्या होगा कि स्क्वायर से मैंने एक ऐड किया। इसी क्वेश्चन को फिर मेरे को आगे दोबारा पूछना हुआ सेम, तो मैं क्यूब कर दूंगा कि इसका और इसका डिफरेंस क्या है, 6 है, तो 6 के क्यूब में +1 कर दूंगा या 6 के क्यूब में -1 कर दूंगा। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है स्क्वायर्स में। तो तुम कभी भी अगर नंबर्स के साथ खेल रहे हो ना रीजनिंग में, तो हमेशा ध्यान रखो कि स्क्वायर्स और क्यूब्स के प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन भी बनता है और काफी पूछा जाता है और बच्चे फंसते भी हैं। तुमने देख लिया होगा कि 24% बच्चे इसमें फंसे हैं। तो इस क्वेश्चन से लर्निंग कितनी मिली वो देख लेना। ठीक है, हाँ बाकी चलो रीजनिंग में तो इतना ही है, आगे करते हैं। स्लाइड्स वगैरह नेक्स्ट आते हैं अब इंग्लिश में। देखो इंग्लिश में भी अगर ओवरऑल लेवल देखोगे आप तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन अपने थोड़े मॉडरेट लेवल के थे इसमें, जो कम बच्चों के सही हुए हैं। और इसका जो एनालिसिस है इंग्लिश के अच्छे क्वेश्चंस का, मैंने ऑलरेडी कल यूट्यूब पे डाल दिया था, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, तो वो एक बार देख लेना, जिसको भी समझ में ना आए यहाँ से कि टेक्स्ट सॉल्यूशन में क्या हो रहा है वो एक बार वीडियो देख लेना। ठीक है, और जो अगर जीएस की अपनी बात करेंगे, जीएस में किस तरह के क्वेश्चंस थे, तो इस वाले सेट के जीएस एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड बोलोगे ना, इस तरह की जीएस कि परफेक्टली बैलेंस्ड कैसा होता है सेट, वो वाला ये था जीएस का। इसमें 15 क्वेश्चन डुएबल है, ठीक है, जो ग्रीन वाले क्वेश्चंस हैं वो 15 क्वेश्चंस हैं, जो ब्लू वाले क्वेश्चंस हैं वो 4 हैं जो मॉडरेट क्वेश्चन हो गए, और 6 अपने इसमें हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन डुएबल हैं, तो जिसको अच्छे से सिलेबस आता होगा वो 30 नंबर तो लेके आ जाएगा यहाँ से, जिसने करंट अफेयर भी कर रखा होगा। काफी बच्चे ना पता है करंट अफेयर छोड़ देते हैं बाद के लिए, उनका मौका लगातार इसको खराब होता रहता है इसकी वजह से, बट करते नहीं है कि मैं तो लास्ट के एक महीने में करूंगा, फिर लास्ट का एक महीना आता है तो प्रेशर बन जाता है, तो इतना भी मत छोड़ा करो। धीरे धीरे मंथली वीडियो तो एटलीस्ट देख लिया करो कि भाई इंडोलोगस की मंथली वीडियो आती है करंट अफेयर की, बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं होती, एटलीस्ट उसको तो करते चलो, ताकि जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन इस वाले जो अपन मॉक्स में डाल रहे हैं ये लेटेस्ट करंट अफेयर ही है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, पुराना भी डालेंगे, जो जैसे एसएससी पूछती है ना एनसीएंट हिस्ट्री को करंट अफेयर में पूछती है कि 2016 में क्या हुआ था, वो भी अपन करेंगे, बट अभी स्टार्टिंग में है तो ठीक है, बहुत ज्यादा मोरल डाउन नहीं करना बच्चों का। तो 15 क्वेश्चन डुएबल थे, 4 मॉडरेट थे और 6 हार्ड थे, इसमें भी अपन 25 से 30 नंबर आराम से ला सकते थे। ठीक है, तो ये अपना जीएस वाला। ठीक है, ऑर्डर की बात करें कि इसमें हमने ऑर्डर क्या सेट किया है मैथ्स रीजनिंग का, देखो कि 5-4 क्वेश्चन इजी हैं, फिर एक क्वेश्चन थोड़ा हमने उसमें अंडर रूट का वो मल्टीप्लाई पूछा, फिर ठीक है, फिर इजी क्वेश्चन आए, फिर पूरे इजी डुएबल क्वेश्चन, ये पूरे पूरे सारे डुएबल क्वेश्चन है, फिर बस लास्ट में
जो अपना 20 से आगे के क्वेश्चन है उनमें दो अच्छे क्वेश्चन हमने डाले, ठीक है। तो इसका ऑर्डर बहुत ज्यादा गंदा नहीं था, अगर गंदा ऑर्डर सेट करना होता ना तो ये 21 वाला क्वेश्चन, ये 23 वाला क्वेश्चन आपको यहीं दिख जाते, यहाँ पे 21वां क्वेश्चन डालता मैं और यहाँ पे डालता मैं 23वां क्वेश्चन, शुरू के 10 में यहाँ से 3-4 क्वेश्चन छूटते हैं और मामला खराब हो जाता आपका वहीं पे ना। तो ऑर्डर वाइज ये साइड जो है डुएबल है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। रीजनिंग में भी यही है यार, देखो रीजनिंग में भी ये डुएबल, फिर एक अच्छा, फिर सारे डुएबल, फिर बीच में एक अच्छा, फिर डुएबल और फिर ये एक बीच में अच्छा, ठीक है। एक चीज हो रहा है कि मैं बोल रहा था कि रीजनिंग में 35 से 40 हुआ है, अब जिस बच्चे ने यहाँ पे टाइम खराब करा, यहाँ पे टाइम खराब करा और यहाँ पे भी टाइम खराब करा, मतलब जितना करना चाहिए उससे ज्यादा खराब कर दिया अगर, तो उसका 35 रह जाएगा स्कोर, और जिसने ये स्किप करे और लास्ट में देखे होंगे वो 40 तक लेके आ सकता है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन से डुएबल है ना यार, तीन ही तो हार्ड है, 22 तो होने चाहिए थे, 22 × 44 होता है अगर स्कोर देखोगे तो, है ना, 40+ तो आप ला सकते थे, बट कहीं ना कहीं जिन बच्चों ने स्किप नहीं करा सही से या ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया वो 35 के रेंज में रह गई, दो क्वेश्चन के छूट गए उस चक्कर में, ठीक है। तो वो स्किपिंग वाली गलती नहीं करनी है कि बस एक ही क्वेश्चन पढ़े हुए हो, ठीक। हाँ, अब इस वाला जो मॉक है, इस मॉक के जो मैथ के वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो मैंने अपलोड किए हुए हैं वेबसाइट पे, और जो इंग्लिश के वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो तो मैंने यूट्यूब पे डाल दिए थे, और ये मैं एनालिसिस वाली वीडियो भी चलो इसके तो यूट्यूब पे डाल दूंगा क्योंकि ओपन टू ऑल है यार मॉक, ठीक है। तो अपने जो रिव्यूज हैं वो कमेंट सेक्शन में एक बार बताना कि मैथ्स के जो सॉल्यूशन है वो कैसे लगे, इंग्लिश के सॉल्यूशन कैसे लगे, और ये जो डिटेल्ड एनालिसिस वाली वीडियो है ये भी कैसी लगी वो भी बताना, ठीक है। रिव्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है, कितना सीखने को मिला, जैसे वो जो मैटी वाला पॉइंट बताया कि क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये रीजनिंग का तुम्हें बताया कि कॉलम वाले क्वेश्चन है किस तरीके से देखने हैं, तो ये चीजें मतलब कहीं भी तुम्हें दिखेगा नहीं कोई टीचर डिस्कस करता हुआ, ना ही कोई मॉक टेस्ट वाला, अब तुम सीधा सीधा बस अरे भैया 150, अरे भैया 200 कंपेयर करने लग जाते हो ना प्राइस, ये 150 वाला, ये 200 वाला, ये 300 वाला, यार अंदर तो देखो एक बार, कहीं दिखेगा ये चीज की कोई मॉक टेस्ट वाला बंदा जिसने मॉक टेस्ट बनाया हो और वो आके ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हो कि किस तरीके से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, है ना, नहीं करेगा ना कोई, बट तुम्हें तो सिर्फ पैसा देखना है, ठीक है। आगे एक चीज और करेंगे अपन, दिखाएंगे थोड़ा सा और, ठीक है। एक चीज और थी कि पिछले लाइव मॉक में अपना एमपीजी का क्वेश्चन था, और कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो ये बोल रहे थे कि यार एमपीजी तो ऐसे पूछता ही नहीं है, एमपीजी का क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, है ना, इरेलेवेंट हो गया ये, तो उनके लिए बता रहा हूँ भाई कि सीजन 19 का 5 मार्च का 2020 का मॉर्निंग शिफ्ट देख लेना एक बार, और सीजन 2020 का 16 अगस्त का 2021 का इवनिंग शिफ्ट देख लेना, क्वेश्चंस एमपीजी पे बेस्ड आए हुए हैं, ऐसा हो सकता है कि आप उनको किसी और मेथड से भी सोल्व कर लो, बट एमपीजी में बेस्ट मेथड था और एमपीजी पूछ रहा है एसएससी, और जो अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने बढ़िया पढ़ा रखा है, जैसे पवन राव सर हैं, उन्होंने पूरा मतलब एमपीजी का बढ़िया पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि एमपीजी, अच्छा आधे फ्रेशर्स को तो इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी यार, मास पॉइंट ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है इसको, और ये वाला पार्ट जो है मास पॉइंट ज्योमेट्री वाला, पवन राव सर की यूट्यूब चैनल पर जाना, एडवांस मैथ्स की जो वीडियो है उनकी ज्योमेट्री की, वहां पे मास पॉइंट ज्योमेट्री की 2 या 3 वीडियो है शायद, उनको देख लेना तो आगे कभी दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। और भाई एसएससी पूछता है, ठीक है, ये मैं सोचना कि बाहर से आ गया। एक और चीज की कल बच्चे बोल रहे थे कि मोबाइल और लैपटॉप दोनों पर अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या मॉक, हाँ भाई दोनों पर कर सकते हो, ऐप में जाओगे तो ऐप से, मोबाइल में ऐप से भी कर सकते हो और मोबाइल में क्रोम करोगे खोलोगे। कुछ लोगों को ना ये मॉक जो है लोकड दिख रहा था, भाई एक चीज करना कि जब भी तुम वेबसाइट पर जा रहे हो ना, तो वेबसाइट पर जाने के बाद पहले लॉग इन किया करो, उसके बाद कोर्सेज वाला या स्टोर वाला ऑप्शन खोला करो, पहले लॉग इन करो। अगर आप कोर्सेज वाला डायरेक्टली खोल दोगे वेबसाइट पर जाके, तो कहीं ना कहीं आपको बाय करने को बोलेगा या कंटेंट आपको दिखेगा नहीं। पहले वेबसाइट पर जाओ, चाहे मोबाइल से जा रहे हो चाहे लैपटॉप से जा रहे हो, वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करो, लॉगिन के बाद कोर्सेज में जाओ, तब आपको दिखाएगा कंटेंट उसमें, ठीक है। और देखो रियल टाइम का भी पूछ रहे थे बच्चे कि सर इसमें रियल टाइम प्रोवाइड कर दो पेड मॉक्स में, भाई अपना ऑप्शन है ही नहीं का, मैं दिखा देता हूँ एक बार, मैंने खोल कर रखा है कि अपन जब इसमें टेस्ट अपलोड करते हैं ना, ये देखो यहाँ पे अगर मैं ऑनलाइन टेस्ट इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ और मैंने टेस्ट ये वाला सेकंड मॉक मान लिया, पेड का मैंने टेस्ट ऐड किया, तो मेरे पास यहाँ पे अटेम्प्ट्स ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं है। ये जो क्लास प्लस का पोर्टल है, ये जो ऐप है अपनी, इसमें फिक्स है कि अगर आपको रियल एग्जाम टेस्ट देना है तो एक ही आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट रहेगा, आपको रिटेम्प्ट नहीं मिलेंगे, तो इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अपने पास इसमें ऑप्शन नहीं है ये वाला, तो इसीलिए रिटेम्प्ट मिलेगा नहीं। वैसे भी उसमें चीटिंग वीटिंग करते रहते हैं लोग, चीटिंग तो यार देखो इसमें भी कर ली, देखो फेक पेपर इसमें भी थे, मैंने बताया ना कि जो पहले वाला बंदा है विश्वजीत नाम है शायद, अब वो तो सोच रहा है कि मैंने जो है मतलब ऐसा कर दिया कि मैं तो टॉप पे दिख गया, किसी को क्या पता चलेगा मैंने क्या गंद मचाई है उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई, उसमें तेरा सारा टाइम दिख रहा है कि तूने क्या गंद मचाई हुई है, 4-4 सेकंड में मैथ के क्वेश्चन लगाए हुए हैं ना, तो हर तरह के मॉक्स में कहीं ना कहीं आपको फेक टॉपर्स दिखेंगे, और अपने पास ऑप्शन है उनको पता करने का कि क्या क्या है, तो इनके स्कोर्स वगैरह देख के ज्यादा डिमोटिवेट मत होना, और जो लोग ये कर रहे हैं काम वगैरह मत किया करो, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इन मॉक्स के बारे में शेयर करो हर जगह पे, अपने दोस्तों को बताओ कि भाई सिर्फ और सिर्फ प्राइस मैटर नहीं करता, कंटेंट क्वालिटी भी मैटर करती है, ठीक है। बहुत ईजी है एक शिफ्ट उठाना मैथ्स की या प्रीवियस ईयर की, उसका डाटा चेंज करके फटाफट 25 क्वेश्चन बना देना, उसमें 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, ठीक है। और जिस तरीके से अपन तैयार कर रहे हैं उसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है,
तो शायद इसलिए वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली भी पड़ेगा, उतना भी नहीं है। ठीक है, तो बताना लोगों को, बाकियों को भी कि यार इस तरीके की चीजें हो रही हैं, इंप्रूवमेंट आपको मतलब 100% दिखेगा। आप 5 मॉक्स कर लो एक बार ये प्रोमॉक्स वाले अच्छे से, जिसमें वीडियो सोल्यूशन से दोनों चीजों के मैथ्स इंग्लिश के, और डिटेल एनालिसिस वीडियो देख लो, 5 मॉक्स के अंदर आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है कंटेंट का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अपना मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।